हाय गाइस, जय माता दी, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द सेजिटेरियस साइन, यानी कि धनु राशि के लिए, और देखेंगे कि आने वाला ये वीक कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। इट्स अ जनरल रीडिंग, मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरी वन। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, आई वेलकम यू। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए, और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे जरूर प्रेस कीजिए सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स फॉर वीकली एंड मंथली रीडिंग्स। चलिए बात करते हैं आपकी लव लाइफ की फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। सेजिटेरियस पीपल, मे भी हो सकता है आप जिनके साथ भी डील कर रहे हैं, मे भी हो सकता है देयर सम थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन आप लोगों का, मे भी हो सकता है, बट आप बैलेंस लाना चाहते हैं बहुत, लाइक आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में एफर्ट पुट करना, मे भी कोई फैमिली इश्यूज है, मे भी कुछ है, बैलेंस लाना चाहते हैं बेसिकली, और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना चाहते हैं। ऑन द अदर पर्सन नाउ मे भी हो सकता है कि उनके पास ऑप्शंस हो, राइट, और मे भी हो सकता है कोई और रिश्ता हो या कुछ हो, बट दे वांट थिंग्स लाइक आप लोगों के बीच में चेंज करना, कोई यहाँ पे अनहैप्पी फील कर रहा है, राइट। नाउ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लाइक इश्यूज हैं, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं, या मे भी हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, कुछ भी कोई इश्यूज हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में, एंड दिस पर्सन इज़ लाइक दे आर हैविंग इमोशंस फॉर यू, फीलिंग्स फॉर यू, और वो चाहते हैं चीज़ें बदल जाएँ, बट सम हाउ थिंग्स आर नॉट वर्किंग, राइट। और मे बी फ्यूचर में मैं देख रही हूँ समबडी इज़ लाइक अनहैप्पी, समबडी इज़ वॉकिंग अवे, पता नहीं क्या चल रहा है आप लोगों के रिलेशनशिप में, कोई अकेला महसूस कर रहा है, टू ऑफ वॉन्ट्स में भी हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, स्टिल अनडिसीजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें क्या नहीं करें, और लाइक चीज़ आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं चीज़ें बदलना, वो चाहते हैं। लेट्स पुल सम कार्ड फॉर गाइडेंस कि हमारे एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में। टू ऑफ कप्स, द मास्टर एंड द डेविल। ओके, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, मे बी आप लोगों का लाइक वो कहते हैं ना कि सोल कनेक्शन है, राइट, और मे भी हो सकता है आपके पार्टनर जो भी है जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं। सो द गाइडेंस हियर इज़ लाइक यू आर द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ, आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं जैसे आप चाहें, इट्स इन योर हैंड। मे भी हो सकता है कि आपको लाइक कुछ चीज़ें हैं जो मिसगाइड लाइक मिसलीड कर रही हैं, या मे भी हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी है, सो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको कैसे हैंडल करना है, आपको क्या करना है। मे भी एवरीथिंग इज़ लाइक वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज़ अप टू यू कि सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में क्या करना है, राइट, और मे बी आप या मे बी आपके पार्टनर के हाथ में है, या मे बी हो सकता है कि आप लोग सेम पेज पे नहीं है और आप ही को डिसीजन लेना है कि आपने कैसे करना और क्या करना है, और आप ही की तरफ से मे बी हो सकता है कोई डिले हो रही है या आप ही की तरफ से कुछ वो हो रहा है, राइट। सो यू नीड टू सी दैट, मे बी हो सकता है कि समथिंग इज़ हिडन और कुछ है यहाँ पे, यू नीड टू नो दैट, और मे बी हो सकता है कि कुछ जो भी इश्यूज़ हैं, राइट, तो आपको अपने आप सॉल्व करने हैं, अपने आप हैंडल करने हैं। So yeah, maybe this is for you. चलिए बात करते हैं अब आपके करियर की फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल। आपकी करियर की बात करते हैं फॉर ऑल द सेजिटेरियस पीपल कि ये वीक कैसा रहेगा आपके करियर के लिए।
ओके सो आप मे बी हो सकता है कुछ बिजनेस कर रहे हैं, कुछ ग्रो करना चाहते हैं किसी के साथ मिलके, और सारी चीज़ें देख के और कुछ यस किसी के साथ मिलके कुछ कर रहे हैं, सम सॉर्ट ऑफ लाइक यस कुछ सेलिब्रेशन भी हो सकती है, सारे प्रोज एंड कॉन्स को देख के और ध्यान से यू नीड टू चूज़, और मे बी हो सकता है आपके पास ऑप्शंस हो किसी के साथ मिल के कुछ कोलैबोरेट करके कुछ कर रहे हैं फॉर ऑल द सजिटेरियस पीपल, राइट? और मे बी हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कुछ एम्पायर बिल्ड करना चाहते हैं, कुछ ग्रो करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, राइट? और बहुत ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी के साथ कुछ मिल के काम करें, राइट? और मे बी हो सकता है कि कोई आपकी हेल्प करे इन दिस दिस थिंग, राइट? और हो सकता है कि और मे बी हो सकता है एट वर्क प्लेस लाइक कुछ सोच रहे हो आप अपने किसी कलीग के साथ या कुछ, लेट्स फाइंड आउट मोर. यस डेफिनेटली किसी के साथ कुछ मिल के काम सोच रहे हैं. मे बी हो सकता है कि आप लोगों का कोई काम ऑनलाइन हो, किसी के साथ कुछ पब्लिक डीलिंग का काम हो. स्लोली एंड स्टडी यू आर बिल्डिंग दैट, राइट? आप देख सकते हैं एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना चाहते हैं, और एक वो पर्सन है उसके हाथ में कॉइन है, राइट? और ही इज़ होल्डिंग द कॉइन, ही इज़ लेइंग अ फाउंडेशन, ही इज़ लाइक कुछ बिल्ड कर रहे हैं किसी के साथ मिलके. जैसे कि मैंने कहा कि मे भी हो सकता है पब्लिक डीलिंग का काम हो, मे भी हो सकता है किसी के साथ कुछ अगर आप जॉब करते हैं तो मे भी किसी चीज़ पे किसी प्रोजेक्ट पे आप लोग मिलके काम कर रहे हैं, राइट? सो चलिए देखते हैं कि हमारे एंजल्स हमें क्या गाइड करना चाहते हैं आपकी सिचुएशन के बारे में. For all the Sagittarius people, yes, balance आता हुआ नजर आ रहा है suddenly, right? Sudden something sudden is coming towards you, और you need to like see सारे pros and cons, जैसे कि मैंने कहा आपको देखने की जरूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की जरूरत है. मिलके जिनके साथ भी काम कर रहे हैं आपको उनके साथ लाइक एक बैलेंस क्रिएट करना है, राइट? विद द इंटीग्रेशन, राइट? सो एक इट्स लाइक टू वर्ल्ड्स कमिंग टुगेदर, या हो सकता है कि कुछ समथिंग लाइक दैट, और मे बी हो सकता है कि कुछ मे बी हो सकता है कोई पब्लिक डीलिंग का काम हो, या मे बी हो सकता है कोई कहीं और के कहीं कोई रहता हो और आप उनके साथ मिलके कुछ कर रहे हैं. सो यू नीड टू ब्रिंग बैलेंस, राइट? और बहुत ज़्यादा लाइक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बचे, राइट? या सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर ऑल यू पीपल. अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिए, और साथ में जो बेल आइकन बना है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए. और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर, बाय.